नमस्कार दोस्तों, मैं उपन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मार्ट हाउस प्लान। दोस्तों आज हम बात करने वाले इतने बेहतरीन से प्लान के 12x30 अगर आपका पूरा डिटेल है, मतलब कि आपका प्लॉट का साइज है, बहुत ही कम साइज है, 12x36 भी चलेगा, तो आप इस मॉडल को डिजाइन करवा सकते हैं। अगर आप कम जगह में एक बेहतरीन सा घर चाहते हैं तो आप इस मॉडल को सिलेक्ट करिएगा। पूरा डिटेल के साथ आज हम बात करेंगे 12x30 फिट का जो मैंने प्लॉट डिजाइन किया है, इसका फ्रंट एलिवेशन के साथ साथ इसका 3D मैंने कैसे डिजाइन किया है, सारा आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। अगर आप उसका 2D प्लान चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आप घर की कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, मटेरियल कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों मैंने। तो आज का पूरा डिटेल जानने के लिए हम आपको ले चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों जिस मॉडल की मैं बात कर रहा था, ये पूरा मॉडल होने वाला है 14x36 फिट का मॉडल, और आप इसे 30 फिट में भी बना सकते हैं जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 14 फिट इसका फ्रंट है और 36 फिट इसकी गहराई है। इसी मॉडल को आज हम डिफाइन करने वाले हैं और बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन से डिजाइन आपके सामने बनकर रेडी हुआ है। तो पूरा डिटेल जानने के लिए हम सबसे पहले इसे जूम कर देते हैं जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए कहाँ पर विंडो और कहाँ पर क्या बना हुआ है। मैंने इसको दोस्तों दो कलर कॉम्बिनेशन में बनाया है, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा। आपको जो भी कलर पसंद आए आप उसे यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो सबसे पहले आप जब इसके ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे तो आप ये जो दो रकीले सी दिख रही है आप इसे इग्नोर करिए। फर्स्ट फ्लोर के लिए मैंने एक साथ बना दिया था। तो ये इसका मेन डोर होगा जहां से एंट्री करेंगे। ये यहाँ पर विंडो है और यहाँ वेंटिलेशन के लिए, और ये डिजाइनिंग के पर्पज से चीजें क्रिएट की गई है सारी। जैसे आप मेन डोर से एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको देख सकते हैं एक लॉन टाइप का मिलता है, और इसी लॉन से आपकी स्टेयर से जाती है। इधर से चलना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर बाहर की तरफ आएंगे, और इसके बाद ये एक डोर है जहां अंदर जाएंगे। अंदर जाते ही आपको एक गैलरी मिलती है, और इस गैलरी के बाद ये आपका किचन एरिया है, ये लेट बाथ एरिया है, पीछे आपका बेडरूम है। तो क्योंकि जगह कम है उसके अकॉर्डिंग चीजें आपको एडजस्ट करनी पड़ेंगी। आप अगर लेट बाथ चाहते हैं तो स्टेयर्स के नीचे यहाँ बना सकते हैं, बट वो कल आपको फर्स्ट फ्लोर पर ही बनाने को मिलेगा, ऊपर आपको वहीं पर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो ये किचन, ये लेट बाथ और बेडरूम, ये गैलरी, और ये आपका एक लॉन टाइप का देखने को मिलता है जहां पर स्टेयर्स चढ़ने के लिए। तो ये फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट पर ये आपको डबल डोर मिलेगा, 5 फिट में बना है, 2.5 फिट का दोस्तों, और ये ओवरऑल पूरा मॉडल बनकर रेडी होता है ग्राउंड फ्लोर। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसे फर्स्ट फ्लोर पर आप पहुंचते हैं तो आप देखिए मैंने सेपरेशन कर दिया है, जो स्टेयर्स थी उसको अलग से दीवार बना दी, इसको सेपरेट कर दिया है, और आप यहाँ से ऊपर आ पाएंगे इस डोर से। इसका दिए आपको एक बालकनी टाइप की देखने को मिलती है, पीछे वही सेम बेडरूम, लेट बाथ, किचन और गैलरी, और ये आपको एक बालकनी टाइप की मिलेगी जिसमें मैंने ग्रिल का डिजाइन यहाँ दिया है, एक बेहतरीन से ग्रिल का डिजाइन, और ये आपके डिजाइन साइड में और बढ़ जाती है जैसा कि ग्राउंड फ्लोर पर था। तो ये अगर हम बात करें इधर से तो आप ऐसे देख सकते हैं, या साइड से आप ऐसे देख सकते हैं, ग्रिल का डिजाइन देखिएगा काफी खूबसूरत और बेहतरीन है। बात करते हैं लास्ट फ्लोर पर। तो लास्ट फ्लोर पर चारों तरफ से 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल स्टेज को ढकने के लिए गुमती, और ये डोर जिससे आप छत पर आ सके, और ये बेहतरीन से आपका ग्रिल लग जाता है और ये ऊपर छत बन जाती है। तो ये पूरा डिजाइन था जिसको हम डिफाइन करने के बोल रहे थे। 14 इसका फ्रंट है, 36 इसकी गहराई है। आप इसे 30 फीट में भी बनवा सकते हैं, बट आपको रूम और किचन और लेट बाथ का साइज थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मॉडल कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं दोस्तों एक पेड सर्विस चलाता हूं जिसके तहत आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर कॉन्टेक्ट करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं हाउस क्रिएट करता हूं। वो हमारी पेड सर्विस रहती है, उसमें 50% पेमेंट आपको एडवांस देना होता है और 50% बाद में देना होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। लेकिन पेमेंट करते समय आप हमसे एक बार बात जरूर करें, किसी अन्य व्यक्ति को पेमेंट बिल्कुल ना करें, और कमेंट में दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट तो बिल्कुल ना करें क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आपको हमारे वीडियोज या हमारे मॉडल्स पसंद आते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।